हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल राजपूत ब्लॉग। आज मैं गाइस आप लोगों के लिए एम्फोसिस की तरफ से बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ लेकर आया हूं, जो कि एम्फोसिस के जो ऑफर्स लेटर आ रहे हैं। तो गाइस जो जिसके ऑफर लेटर नहीं आए थे, उनकी ऑनबोर्डिंग नहीं हो रही थी, काफ़ी सारे स्टूडेंट पैनिक कर रहे थे कि सिचुएशन सर कि हमारा होगा या नहीं होगा। तो अप्रैल ज्वाइनिंग न्यूज़ है, रिमेनिंग कैंडिडेट विल ऑनबोर्डिंग और नॉट, तो ये बताने वाला हूँ प्रोफाइल फॉर विच रोल क्या होने वाली है, कौन सी रोल प्रोफाइल के लिए आप लोगों का मतलब ऑफर लेटर आ सकता है। तो दो फेजेस में, अभी तीन फेजेस हो चुके हैं गाइस। तो दो में अभी जस्ट रिसेंटली 5 अप्रैल हो गया है, 7 की कुछ ज्वाइनिंग आई है और 1/12 का भी ऑफर लेटर रिसेंटली में आया हुआ है। तो उसमें क्या मेंशन है गाइस, तो वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना यार। सब्सक्राइब नहीं करोगे तो और भी इन्फॉर्मेशन से कैसे पता चलेगी आप लोगों को। तो चलिए चलते वीडियो की तरफ और दिखाता हूँ मैं गाइस आप लोगों को कि ऑफर लेटर ये देखिए, वी आर इनिशिएटिंग योर ऑनबोर्डिंग टू एम्फोसिस, योर डेट ऑफ ज्वाइनिंग इज 7 अप्रैल 2023। ठीक है, प्लीज नोट द बिलो टर्म्स एंड कंडीशन रिलेटेड, ऑल सेमेस्टर मार्कशीट, डिग्री सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ये सब चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को ये LOI में जो मेंशन दी गई है वहाँ पर आप लोगों को ये कंप्लीट करनी है डॉक्यूमेंट विद जो कि सब चीज़ें हैं। ये देखिए गाइस, अभी 7 अप्रैल का आया था, इससे पहले वाला आया था 5 अप्रैल को, एक ऑफर लेटर आया था, फिर उसके 7 अप्रैल को आया है। तो गाइस एम्फोसिस ने कुछ कैंडिडेट को फेजेस में अपना ऑनबोर्ड कर रही है, मतलब इतने स्टूडेंट जैसे कि 1000 स्टूडेंट, 1000 में से 500 को एक फेज में मतलब ऑनबोर्डिंग कर भेज रही है जस्ट 5-5 1-1 हफ्ते के अंदर। तो गाइस आपकी अप्रैल और मस्ट में स्टार्टिंग तक आप लोगों की 100% ऑनबोर्डिंग हो जाएगी, जितने भी स्टूडेंट की पेंडिंग है LOI है, जिस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब कंप्लीट है, तो उनका ऑनबोर्डिंग होना अब स्टार्ट हो चुका है गाइस। तो बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है एम्फोसिस की तरफ से, और भी सारी कंपनियां उनमें भी स्टार्ट हो चुकी है। तो रिसेशन का तो देखा जाए तो चलता ही रहेगा, पर गाइस जो कि कंपनियाँ हैं अब ऑफर लेटर भेजना स्टार्ट कर दिया। अब तो इसमें सबसे अच्छी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि वर्क फॉर एनी शिफ्ट एज पर द बिजनेस रिक्वायरमेंट, जो वर्क होगा आप लोग का कोई भी शिफ्ट में हो सकता है एज बिजनेस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही, ठीक है, तो उसमें कोई बात नहीं है। बिजनेस रिक्वायरमेंट है, कैन यू कैंडिडेट टेक योर कैंडिडेट फॉरवर्ड प्रोसीड टू LOI का जो कि प्रोसीजर है वो आप लोग फॉलो करना है, ठीक है। डॉक्यूमेंट मार्कशीट सब चीज़ें आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। फिर देखिए एक और, अभी जस्ट रिसेंटली में कल ही आया है हमारा, वी आर इनिशिएटिंग और ऑनबोर्डिंग एम्फोसिस, योर डेट ऑफ ज्वाइनिंग विल बी 12 अप्रैल 2023, ठीक है। 12 अप्रैल को पहले 7 को दी, फिर 7 के बाद में दूसरे कैंडिडेट की 12 अप्रैल को है। तो गाइस वो लोग फेजेज़ में इतने कैंडिडेट की एक फेज में, इतने कैंडिडेट की अलग फेजेज में, जो कि रोल है हमारा ट्रेनी सॉफ्टवेयर एसोसिएट इंजीनियर का प्रोफाइल है, किसी की अलग प्रोफाइल सॉफ्टवेयर एनालिस्ट की प्रोफाइल है, कुछ की ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग की प्रोफाइल है, तो उनके जो है उसी के अकॉर्डिंग पहले वो लोग ऑफर लेटर भेजें। पहले ट्रेनिंग एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर की प्रोफाइल के लिए वो लोग ऑनबोर्डिंग के जो कि मेल्स हैं जो कि रिगार्डिंग ऑफर लेटर है जो कि भेज रहे हैं, ऑनबोर्डिंग की जो कि ज्वाइनिंग डेट है वो भेज रहे हैं। देखिए 12 अप्रैल, फिर 12 के बाद समथिंग आप लोग की 17-18 ऐसे समथिंग भी आ सकती है, 15 भी हो सकती है काफ़ी लोगों की, तो इसमें पैनिक होने की बात नहीं है गाइस, आप लोग की ऑनबोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो गाइस आप लोग के भी ज्वाइनिंग लेटर रिसेंटली में आने वाले हैं, और भी फर्दर कोई भी अपडेट आ सकता है, इन्फॉर्मेशन आती है रिगार्डिंग की कुछ भी इन्फॉर्मेशन है क्या रोल का क्या होने वाला है, तो मैं आप लोग तक अपडेट करता रहूँगा। तो गाइस इससे पहले मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, और भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के अप्लाई करती रहिए अगर आप लोग वेट कर रहे हैं। थैंक यू गाइस।